Hello guys, I, Aru Sadia, welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. If you people like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel. And those who are new to my channel, please do subscribe. So, in today's class, we are going to start with class 8th NCERT of Civics. Chapter 1, named as the Indian Constitution. When we talk about the Indian Constitution, the first thing that we have to understand is what is Constitution. Constitution is Samvidhan. Samvidhan is called as a Constitution. What is it? It is a set of fundamental rules that determine how a country or a state run. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें बताता है कि कैसे हमारी कंट्री और स्टेट को रन करना है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 नवंबर 1949. आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज बैग ऑफ बोरोइंग्स, उधार का बोरा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग्स बोलते हैं क्योंकि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सिटीजनशिप. बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और ये हमने दूसरी कंट्रीज से अडॉप्ट किया है. तो इसीलिए हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे बैग ऑफ बोरोइंग्स बोला जाता है. हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हेन यू हर्ड अबाउट अ टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच टेल्स अस अबाउट हाउ द कंट्री और अ स्टेट रन. It is actually a framework which tells us about the rights of the people, how the country is going to work, what are their duties. So everything we will come to know from this constitution. Now, when we talk about directive principles, we have taken it from Ireland. Fundamental duties, USSR. Fundamental rights, US. पार्लियामेंट्री राइट्स, यू आर. तो पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. इट इज अ सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच डिटरमाइन द वर्किंग ऑफ कंट्री एंड अ स्टेट. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड क्यों पड़ी? व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई डज एनी कंट्री और अ स्टेट नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी. सबसे पहले फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी के बारे में हमें पता पड़ता है. जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन सोसाइटी जो है वो बहुत ही डाइवर्स है. बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग एक साथ इकट्ठे रह रहे हैं. तो हमें क्या है, इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है और इन सभी को इक्वल समझना बहुत जरूरी है. देन nature of our society, it helps us serves as a set of rules and principle that all persons in country can agree upon. Constitution के अंदर ऐसे sets of rules and regulation होते हैं जिसे हर एक member हमारे country का agree करता है, उसको मानता है, उसको appreciate करता है. इसलिए हमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है. जब हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उससे पहले क्या हो रहा था, हमें मोनार्की थी हमारे इंडिया में. हमें कौन, किंग्स रूल कर रहे थे. उस टाइम पे किंग हेड होता था, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी. किंग के बाद हमारे को ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, ब्रिटिशर्स ने रूल किया, ठीक है, इन्होंने रूल किया. तो इनके अपने रूल्स होते थे, ये उनको फॉलो करते थे, बट वो हम इंडियंस के फेवर में नहीं थे. वो कहीं ना कहीं हमारे जो बेसिक राइट्स थे उनको वायलेट कर रहे थे. तो इसीलिए जब हमें ये नीड लगी कि हमें अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें अपनी एक रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, अपनी एक कंट्री सेपरेट चाहिए, तब क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना पड़ा. अब जब हम इस पे एक बात करते हैं नेपाल की, नेपाल में क्या था, 1990 के अंदर
नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और इन्होंने क्या एस्टैब्लिश कर ली, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमें पता है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ऐसी गवर्नमेंट जो लोग ही चुनते हैं अपने वर्किंग के लिए और वो गवर्नमेंट उन लोगों के ही वेलफेयर के लिए काम करती है। That lasted for 12 years. 12 years तक नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी रही, जो कि कब खत्म हुई, 2002 के अंदर। In October 2002, King Gyanendra took over as the head of the government in 2005. King Gyanendra has established his monarchy in Nepal. Now in November 2005, The Moses joined other political parties to sign 12-point agreements. जब ये 12-point agreement आया तो लोगों को क्या लगा, ये एक सिग्नल है किसका, democracy और peace का, because everybody wants to secure their self-respect, their rights, their duties, so they need a democratic form of government in comparison to monarchian government. So this agreement signaled to a larger public an imminent return to democracy and peace. अब इसके बाद क्या होता है, इन 2007 नेपाल अडॉप्टेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्दो नेपाल के पास 1990 में भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, 12 इयर्स तक उन लोगों ने एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहे हैं, बट आफ्टर दैट इन 2007 दे हैव अडॉप्टेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफरेंट था कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वो उनके जो बेसिक नीड्स और बिलोंगिंगनेस थी उनको वो एक्सेप्ट कर रहा था लोगों की, जबकि 1990 वाला उनको इतना बेनिफिशियल नहीं लग रहा था। दैट्स व्हाई इन लोगों ने क्या किया, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट पॉइंट, व्हाई अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? Because it tells us about the fundamental nature of the society. Second point, why does a country needs a constitution is to define the nature of a country's political system. It tells us about the nature ki political system jo hai country ka wo kaisa hoga. If we talk about India, India is a democratic country. Democratic country, what does democracy means? It is the form of government that is of the people, by the people and for the people. ठीक है, इसमें क्या है, ये लोगों की ही गवर्नमेंट है, लोग ही चुनते हैं और उनके जो प्रतिनिधित्व होते हैं वही क्या है, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। नाउ इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन द रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी बाय आर पॉलिटिकल लीडर्स। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमारे लीडर्स पे, पॉलिटिकल लीडर्स पे सर्टन रूल्स और रेगुलेशंस बना देता है ताकि वो लोग जो है अपनी पावर में, मतलब सत्ता में आके वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। एक छोटी सी स्टोरी दे रही है आपके, उसमें एक क्लास मॉनिटर कैसे अपनी पावर का मिसयूज करता है। तो एक क्लास मॉनिटर होता है और मिसेस राव होती है, वो किसी काम से बाहर जाती हैं और वो कहती हैं क्लास मॉनिटर में, जैसे कि नॉर्मली आपकी क्लास में भी होता है, टीचर को अगर कुछ काम होता है वो बाहर जाती हैं, वो अपने क्लास मॉनिटर को बोलती हैं कि योर वर्क इज टू लुक आफ्टर द क्लास एंड मेंटेन द पीस इन द क्लास। सो सेम थिंग वॉज डन बाय मिसेस Rao, and she asked the monitor of the class to maintain peace in the class. But what does the monitor did? Monitor क्या करता है, वो अपने power का misuse करता है और वो अनिल को बिना किसी शोर किए, बिना कुछ misbehave किए क्या बोलता है अनिल को, कि मैं तुम्हारी complaint करूंगा Mrs. Rao को कि तुम क्या है misbehave कर रहे थे, class में noise produce कर रहे थे। तो ये क्या एक example हुआ कि अपने power को जो है वो monitor गलत तरीके से use कर रहा है। अनिल की कोई mistake नहीं भी है पर फिर भी वो क्या है अनिल को अक्यूज करा रहा है। तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो लोग पावर में है, रूल में है, उन पे सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन लगा देती है ताकि वो अपनी पावर जो है उसका मिसयूज ना कर सके, जैसे कि क्लास मॉनिटर ने किया। टू इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। If you remember, I told you a story about Om Prakash Valmiki in class 7. Om Prakash Valmiki was a Dalit child and he used to go to school और उसको उसके जो teacher थे, headmaster थे, उन्होंने punishment दे दी थी कि आपको क्या है school को clean करना है।
और उसको सेम वाटर पीने की वेल से वाटर पीना भी अलाउड नहीं था, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उसके बैठने के लिए मैट नहीं होती थी, वो जमीन पे बैठता था, और उसको इस तरीके से जो स्कूल के टीचर्स थे, हेडमास्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो क्या डिस्क्रिमिनेट करते थे. क्यों? क्योंकि वो एक दलित था, लोअर कास्ट को बिलोंग करता था, और अपर कास्ट वाले जो लोग थे वो उसको डोमिनेट करते थे. तो जब उनके पापा देख लेते हैं तो वो ले जाते हैं और हेडमास्टर को कहते हैं कि यही नहीं, ऐसे और बहुत सारे बच्चे आपके स्कूल में आके पढ़ेंगे. तो वो क्या बोलते हैं, राइट टू इक्वालिटी, के हर एक इंडिविजुअल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें राइट दिया राइट टू इक्वालिटी, कि हर एक इंसान इक्वल बिफोर द लॉ एंड नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रीजन, क्रीड, रेस, नथिंग, दे कांट बी डिस्क्रिमिनेटेड. सो सिमिलरली, जैसे कि ओम प्रकाश को अपर कास्ट के जो लोग थे उन्होंने डोमिनेट किया, इसीलिए ही ये डेमोक्रेटिक फॉर्म क्या है, ऐसे रूल्स लगा देती है ताकि ये जो डोमिनेंट ग्रुप है ये क्या है, अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके. किसके अगेंस्ट? पुअर और पावरलेस पीपल के अगेंस्ट. डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, why do a country need a constitution. Now we are going to study about the features of constitution. First, father of Indian constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar was regarded as the father of Indian constitution. This constitution is one of the biggest lengthy document and it was being prepared by more than 300 people who were the part of the constituent assembly. They used to meet periodically for the period of 3 years to write down this constitution. Now, when we talk about its feature, the first feature of constitution is federalism. India is a federal country, means existence of more than one form of government. जब भी हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर democratic form of government है, but हमारे स्टेट में अलग गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट होती है और विलेजेस में अलग गवर्नमेंट होती है. थ्री टायर सिस्टम हमारे इंडिया में प्रेवेलेंट है. जैसे कि स्टेट की जब सेंट्रल की हम जब बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट कहाँ से रूल होती है? दिल्ली से. ठीक है, वहां पे हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं और वो सब लोग फॉलो करते हैं. बट पर्टिकुलर स्टेट की भी अपनी एक गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है जो हर स्टेट को रूल करती है, और फिर हर एक विलेज में पंचायती राज होता है जो कि क्या है, पंचायत, विलेजेस, इन सब को रूल करता है. जैसे कि हम बात करें राजस्थान की, तो हम कहाँ रहते हैं? राजस्थान के अंदर. राजस्थान के अंदर अभी किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस की. बट सेंट्रल में हमारी किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की. सो गवर्नमेंट्स जो है वो हमारे डिफरेंट वेलफेयर के लिए काम करती हैं. डिफरेंट गवर्नमेंट्स प्रेजेंट होती है. सेंट्रल पे जो है वो पूरी कंट्री को लुक आफ्टर करेगी, स्टेट पे जो गवर्नमेंट है वो पर्टिकुलरली स्टेट को लुक आफ्टर करेगी, स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करेगी. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि उनको पैसा कहाँ से मिलेगा ताकि वो अपने जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम कर सके, उनके बेटरमेंट के लिए काम कर सके, उनको अमाउंट मिलना चाहिए. वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने लॉज बना सकती हैं ताकि जो है और बेटरमेंट हो सके लोगों के लिए. ये सारी चीजें हमारा काम कौन करता है, हमारी जो कंट्री है उसकी प्रॉपर वर्किंग को कौन लुक आफ्टर करता है? हमारी गवर्नमेंट्स. और ये फेडरलिज्म में एक ऐसा फीचर है जो हमें क्या है, थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देता है, थ्री टायर, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज. सेकेंड फीचर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमने फेडरलिज्म में पढ़ा थ्री टायर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज. अब ये जो तीनों गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग वर्क करेंगे उनको कौन इलेक्ट करेगा? हम लोग ही वोट करते हैं, हम लोग ही वोटिंग करते हैं. हमने कांता की स्टोरी पढ़ी थी कि जब वो लाइन में खड़ी होती है और वहां पे सभी लोग, उसका जिसके घर में वो काम करती है वो भी और वो जो खुद है कांता, वो दोनों एक ही लाइन में खड़े होते हैं. क्या करने के लिए? टू कास्ट अ वोट. तो हम लोग ही क्या है, गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम ही जो लोग हैं वो वोट देते हैं और वो उस गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं. तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या है कि People have the right to directly select their representative.
इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि हम लोग जो है, हमें राइट देता है हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन कि हम जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्टिंग आर रिप्रेजेंटेटिव. फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. ऑल द इंडिविजुअल हु वर 18 और अबव 18 हैव द राइट टू कास्ट वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट रिलीजन रीजन क्रीड रेस सेक्स. Nothing can hinder them from casting their vote. So this is known as universal adult suffrage, and this is parliamentary form of government. We have discussed two features: federalism, in which there is existence of more than one form of government. In India, there are three tiers: central government, state government, and panchayati raj. The second feature when we talk about is a parliamentary form of government, in which people have a direct role in electing their representative who will work for their welfare. And Constitution of India guaranteed every individual of India universal adult suffrage. The third feature of our Indian Constitution is separation of power. We have studied that in India there is presence of federalism. That means presence of three types of governments. Now when we talk about separation of powers, three organs of the state. Here state doesn't mean the state government. State means any political institution. हम यहाँ पे इसको consider कर रहे हैं कि एक political institution है, जैसे जो कि हमारा India है, और उसमें जो उसकी powers हैं वो तीन में बांटी गई हैं, ताकि क्या है ये कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके. ये तीनों जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे के वर्क पे वॉच रख सके, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको करेक्टिफाई करा जा सके, और ये तीनों जो है ये वर्क करते हैं वेलफेयर हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री. और ये जो तीनों है इनके अलग अलग वर्क असाइन किए गए हैं, और ये तीनों एक दूसरे पर वॉच भी रखते हैं. तो लेजिस्लेचर क्या होता है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम सेलेक्ट करते हैं कि वो हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करें. एग्जीक्यूटिव स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर आ जाता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि हमारी पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था है, वो किसमें आएगी, हमारी जुडिशरी के अंदर. तो ये है हमारी सेपरेशन ऑफ पावर. फंडामेंटल राइट्स, it is referred as the consign of Indian constitution. Consign means antaryatma of Indian constitution. अब हमने सबने सुना होगा fundamental rights के बारे में, हमने पढ़ा भी था right to equality, right to freedom, right against exploitation, freedom of religion, cultural and educational right and right to constitutional remedies. ये सारे कुछ ये fundamental rights हैं जो कि हमें क्या है हर एक नागरिक को इंडिया के constitution ने provide किए हैं. अब जब हम बात करते हैं right to equality, तो right to equality का मतलब होता है everyone is equal before law. हर एक इंसान equal है, किसी भी इंसान को no person can be discriminated on the basis of their caste, religion, region, gender, race, sex. Nobody can be discriminated. Each and every individual is equal and they have to be treated equal. They can't be discriminated. This is the right given to us by our Indian constitution. Now right to freedom. According to right to freedom, हर एक इंसान को ये आजादी है कि वो अपने पसंद का occupation select कर सके, उसको freedom है कि वो अपने पसंद के place पर रह सके, different state में रह सके. ये सारी freedom हमें provide की गई है according to right to freedom. Now right against exploitation. इस राइट को हमें दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और इस राइट से हमें क्या है, चाइल्ड लेबर से बचते हैं, जैसे कि 14 साल से छोटे बच्चों को जो है चाइल्ड लेबर नहीं करानी चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस तरीके के जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नाउ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया क्या एक सेक्युलर कंट्री है, और इंडिया के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, पारसीज,
बहुत सारे रिलीजन्स हैं और हर एक इंडिविजुअल को ये आजादी है कि वो अपने पसंद के रिलीजन जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको वर्शिप कर रहे हैं, उनको इक्वल स्टेटस दिया गया है हर रिलीजन को इंडिया के अंदर. नाउ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. अब क्या है, जो कि माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं या छोटे छोटे रिलीजन्स हैं, तो उनको अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए उनको ये राइट दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो क्या है, छोटे छोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ओपन कर सकते हैं ताकि वो अपने कल्चर को फैला सके और प्रिजर्व कर सके. राइट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर कभी भी हम ह्यूमंस को ये फील होता है कि हमारे ये अबव गिवन फंडामेंटल राइट्स कोई भी वायलेट कर रहा है, तो हम क्या है इनको जाकर कोर्ट के अंदर चुनौती दे सकते हैं, कोर्ट में जाकर लड़ सकते हैं कि हमारे जो है इन राइट्स को वायलेट किया गया, इनका हनन किया गया है. सो दैट्स ऑल अबाउट आवर फंडामेंटल राइट्स. फिफ्थ, सेक्युलरिज्म. नो स्टेट रिलीजन. सेक्युलरिज्म मीन्स, स्टेट मीन्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. हमारे देश का कोई भी रिलीजन नहीं है, हमारे अंदर सेक्युलरिज्म है. हमारे अंदर बहुत, देश के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स जो हैं वो प्रेजेंट है, उनकी एग्जिस्टेंस है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिंदुज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, पारसी, बहुत सारे रिलीजन्स हैं जो कि हमारे इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. और हर एक इंडिविजुअल को इंडिया में ये फ्रीडम है कि वो अपनी पसंद का रिलीजन जो है उसको फॉलो करे. और हमारे इंडिया में कोई भी एक रिलीजन नहीं है जिसे हम कह सकें कि दिस इज द रिलीजन दैट हैज बीन फॉलोड बाय द Indians. There is no such religion. There is a variety of religions that exist in India. That's why India is regarded as a secular country. Secularism is an important feature of India. Now, when we talk about directive principles of state policies, we have discussed about the fundamental rights. Now, when we talk about directive principle of state policies, ये मौलिक कर्तव्य हैं. अगर आपने अभी जो हमारा 15 अगस्त हुआ था उस पे हम लोगों को शपथ दिलाई गई थी मौलिक कर्तव्यों की. मौलिक कर्तव्य क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. और ये क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए. मौलिक कर्तव्य जैसे कि हमें हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, पेरेंट्स जो हैं उन्हें अपने 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स को एजुकेशन दिलवानी चाहिए. ये उन पे ड्यूटी है कि उनको अपने बच्चों को क्या है एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए. हमें अपनी वाइल्ड लाइफ जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. ये ऐसी बहुत सारी चीजें ही क्या है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. सो दैट्स ऑल फॉर आवर लेक्चर टुडे. टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Tuition. I hope all of you understood it well. If you people like my videos, then please do subscribe my channel. Thank you for watching.